जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी सीएपीएफ 2022 के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन हैज अ टोटल ऑफ 100 कॉइन्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 एंड रुपी 5 कॉइन। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन इज 320 और दो नंबर ऑफ रुपी 2 कॉइन्स कितने होंगे। अब देखो, इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो है ऑप्शन से सॉल्व किया जा सकता है, एक है आप एक्स इसको मान के चलें। देखिए, सबसे पहले अगर आप एक्स मान के चलते हैं, मान लीजिए रुपी कॉइन्स जो हैं एक्स हैं, तो वैल्यू कितनी होगी, 2 × x, ठीक है जी, प्लस, ठीक है, अब आपका 100 कॉइन्स थे तो 100 − x ये कितना हो गया, 5, ठीक है, 5, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 320 है ना। मान लो 10 कॉइन है या 20 कॉइन है तो 20 × 2 ₹40, ठीक है, 80 × 5, ठीक है, इस तरीके से आपका होगा। तो ये हो गया आपका 2x + 500 − 5x = 320, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, सो 3x = 180, x = 60, ठीक है। आप कैलकुलेट वैसे भी कैलकुलेट करके देख लो तो 60 × 2 ₹120 हो गए। ये 40 कॉइन, 40 × 5 कितना हो गया, 200, ठीक है, 200, तो ये ₹320 हो गए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, रुपी 2 कॉइन्स पूछे हैं, 60। अब इसमें पेपर में ध्यान रखना है, अगर मान लो 5 रुपए वाले कॉइन पूछे हैं तो ध्यान रखना वो 40 आ जाएगा आंसर। तो 40 भी दिया है, 60 भी दिया है। अच्छा, अब यहां पर सीधा क्वेश्चन है, आप इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। 40 × 2 = 80, 60 × 5 = 380 हो गया, गलत, ठीक है। फिर उसके बाद 50 × 2 = 100, 50 × 5 = 250, 250 + 100 = 350, गलत, 60 × 2 = 120, 40 × 5 = 200, 200 + 120 = 320, आंसर सही आ गया। 70 × 2 = 140, 30 × 5 = 150, 140 + 150 = 290, गलत, ठीक है। तो आप ऑप्शन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।